हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर अब खत्म होते दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से कम केस आए हैं। माना जा रहा है कि 1 जून से मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने लगेंगी। इसके साथ ही कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को जीतने मेडिकल सेवाओं में भी लगातार सुधार हो रहा है। दवाइयां, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध पुलिस एक्शन में है। आइए जानते हैं कि संक्रमण को रोकने और गाइडलाइन का पालन कराने विभिन्न राज्य क्या कोशिशें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने एवं अनलॉक किए जाने के संबंध में 31 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं फंगस के खिलाफ लड़ाई में एम्फ्रोटोसिन इंजेक्शन के 1,910 यूनिट की आपूर्ति हुई। इन इंजेक्शन को वायु मार्ग द्वारा जबलपुर, ग्वालियर और सागर भेजा गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को बताया कि लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 1 जून के बाद ही बढ़ाया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में 31 मई से कुछ पाबंदियों के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसके संकेत दे चुके हैं। इसे लेकर आज दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हो रही है। इसमें मुख्यमंत्री के अलावा उपराज्यपाल अनिल बैजल और चीफ सेक्रेटरी सहित सीनियर अफसर मौजूद रहेंगे। इन 19 राज्यों में लॉकडाउन जारी रहेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, इन 13 राज्यों में छूट के साथ खुल सकती है कुछ सुविधाएं। इन 13 राज्यों में छूट मिल सकती है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने की कोशिश कर सकती हैं। मेघालय, नागालैंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश और गुजरात। अब देखते हैं कि एक एक कर अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद तीसरी लहर किस प्रकार की आती है, उसमें गलती किसकी होती है, कि सरकार तो बता रही है कि पूरी तरह से तैयारी कर रही है, क्या जनता भी इसके लिए तैयार है। जनता को भी ये करना है कि सारे प्रोटोकॉल को मानना है ताकि तीसरी लहर में हम अपनों को भी ना खोए और ये ज्यादा से ज्यादा ना फैले, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा है कि वो आकर ही रहेगा, लेकिन उससे बचाव हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय है तो जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूले। और भी ऐसी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे।